हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। हमने हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स को शुरू कर दिया है। तो कल जो हमने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ी थी प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। टुडे वी विल स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन्स। आज हम हेलो अरेन्स की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन्स। प्रिपरेशन of hello arrays। तो इसकी प्रिपरेशन करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, जैसे कि रेजोनेंस। रेजोनेंस आपने पढ़ा था 11th में। मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा of phenol। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए। फिनोल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर अगर OH अल्कोहल ग्रुप अटैच है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिनोल। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है देखिए, जैसे ये हमारे पास बेंजीन है और इसके ऊपर OH ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है। अब ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी और ये आपको आनी चाहिए। तो अब देखना इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके ऊपर ये लोन पेयर है, ये बेंजीन रिंग को डोनेट कर देगा। तो जब डोनेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा, एक पेयर का मतलब एक बॉन्ड। तो ये यहां पर एक और बॉन्ड बना देगा। यहां पर जो कार्बन है उस पर डबल बॉन्ड ये हो गया, डबल बॉन्ड ये हो गया, सिंगल ये हो गया, यहां पर पांच बॉन्ड बनेंगे। तो इसलिए ये क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर की तरफ चला जाएगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर इधर दिया है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या आ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। क्या बनेगा आप देखना, बेंजीन रिंग है, इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है तो डबल बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है तो उस पर कैसे चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर आ गया, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये बाहर आ गया, यहां डबल बॉन्ड है और यहां ऑलरेडी डबल बॉन्ड। नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये अंदर की तरफ आ जाएगा, तो ये वाला है ये कहां जाएगा, बाहर की तरफ। इस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते रहेंगे, रोटेट होते रहेंगे। अब आप देखना क्या हुआ, यहां पर तो डबल बॉन्ड OH था और इस पे पॉजिटिव चार्ज था, ये डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ गया तो यहां डबल बॉन्ड हो गया। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये आ गया, ये ऑलरेडी था। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आप देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर की तरफ है तो ये कहां जाएगा, बाहर की तरफ। अब आप देखना क्या होगा, ये OH था, इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां अंदर गया तो यहां डबल बॉन्ड और यहां पर क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखिएगा क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर की तरफ है तो ये वापस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। क्या होगा आप देखना, इस तरीके से ये OH पहले लोन पेयर वापिस चला गया तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, पहले डबल बॉन्ड था, ये इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया, यहां डबल बॉन्ड था, यहां डबल बॉन्ड था और ये पेयर आ गया तो यहां डबल बॉन्ड। अब आप देखना जो इलेक्ट्रॉन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड था उसकी पोजीशन जो थी इस केस में, वो सारी पोजीशंस क्या है, चेंज है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है किसकी, फिनोल की। ये अच्छे से आप बनाओगे और आपको आनी चाहिए, बहुत पूछी जाती है, बहुत इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको। अब इसमें मैं एक चीज और बता रहा हूं कि जैसे हमने क्या किया था, CH3CH2OH और इसकी रिएक्शन हमने हैलोजन एसिड के साथ की थी, HCl के साथ, H2O रिलीज हो गया था और क्लोरीन डायरेक्ट इस पे लग गया था। अगर ऐसे ही मैं कहूं कि भाई एरोमेटिक भी हम प्रिपेयर करें, यहां पर मैं OH लिख दूं, ठीक है, इस तरीके से, और मैं अगर HCl के साथ करूं सिंपली तो भाई H2O रिलीज हो जाए और Cl लग जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है इस केस में। इस केस में ऐसा डायरेक्ट नहीं हो सकता, उसके पीछे वजह है, वजह ये है कि फिनोल के इस केस में कोई रेजोनेंस नहीं थी,
इस केस में क्या हो गई, रेजोनेंस हो गई। रेजोनेंस का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन रोटेट करने की वजह से यहाँ पर जो कार्बन है और ये जो ऑक्सीजन है इसके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर रहता है। मीन्स यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड आ गए, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, यहाँ सिंगल बॉन्ड था आसानी से टूट जाता था, यहाँ क्या क्रिएट हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस बॉन्ड। इस बॉन्ड को तोड़ना क्या है, मुश्किल है। इसलिए अगर हम HCl डायरेक्ट इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो डायरेक्ट हम हैलोजन प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इस केस में ये रिएक्शन पॉसिबल है लेकिन इस केस में ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। अब इसके बाद अगर इस तरीके से नहीं हो सकता प्रिपेयर तो कैसे होगा, तो हम पढ़ेंगे पहला स्टेप है बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन, बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन। अगर हम बेंजीन रिंग की डायरेक्ट हैलोजन के साथ रिएक्शन कराएं तो कैसे होगा, आप देखिएगा। जैसे यहां पर हमारे पास है बेंजीन रिंग और इसकी मैं Cl2 के साथ कराता हूं, प्रेजेंस है AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या होगा, हमें पता है यहां भी हाइड्रोजन है, बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है C6H6, तो यहां हर जगह हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन है उसके साथ एक Cl चला जाएगा और ये क्लोरीन उसके साथ अटैच हो जाएगा, तो इस तरह से ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अब मेरे को ये बताओ कि ये हैलोजन है कि नहीं, भाई एरोमेटिक कंपाउंड के साथ सीएल जुड़ रहा है ना, मतलब एरिन बेंजीन के साथ क्लोरीन जुड़ रहा है, तो ये क्या हो गया हैलो और ये क्या हो गया एरिन, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, हैलो एरिन। अब ये बना कैसे, हुआ कैसे, इसका मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, तो मैं इसका आपको मैकेनिज्म समझा रहा हूं। इसका मैकेनिज्म पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है कि अगर मान लो हमारे पास Cl2 है और इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 के केस। अब देखना ये जो AlCl3 है ये एसिड होता है, एसिड क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, जो डोनेट करे वो बेस होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं AlCl3 तो AlCl3, ठीक है, तो इसके वैलेंस शेल में देखिए आप 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा, तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर लेना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, इस Cl को डिसोसिएट कर देगा, इसको इस पे क्या करेगा, इस क्लोरीन को ये इलेक्ट्रॉन पेयर समेत अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। इस पे इसने क्या कर दिया, इसको पोलैरिटी क्रिएट कर दी इसके ऊपर। अब यहां पर क्या बन गया, ये आप देखिए कि ये गया है नेगेटिव चार्ज लेके, तो ये तो Cl पे थोड़ा सा कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव, और यहाँ पर AlCl4 और इस पे थोड़ा सा कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये Cl पॉजिटिव आ गया, मींस Cl पॉजिटिव पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, और जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। अब जो सेकंड स्टेप है उसमें आप देखिए, जैसे बेंजीन है, ठीक है भाई, अगर मैं आपको बताऊं कि ये Cl जो है Cl पॉजिटिव ये रो रहा है, चिल्ला रहा है, क्यों रो चिल्ला रहा है, कि भाई मेरे तो इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए हैं, मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन थे उनको किसी ने छीन लिया, हाय रे लूट गया, बर्बाद हो गया, आई हैवंट इलेक्ट्रॉन, माई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो ये इस तरीके से चिल्लाएगा। तो जो ये बेंजीन है इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसको कहेगा कि भाई तू चिल्ला मत, रो मत, कोई बात नहीं, मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहा हूं। ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से दे देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर देख के और इसको अपने साथ क्या कर लेगा, अटैच करेगा। कैसे क्या बनेगा आप देखिएगा, ये बेंजीन रिंग, अब देखना इसके पास हाइड्रोजन तो सारे ही इस पे जुड़ रहे हैं,
और यहाँ पर Cl भी अटैच हो गया और ये इलेक्ट्रॉन गया यहाँ से, बाकी ये यहीं पे है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है इस कार्बन ने, तो इस पे कैसे चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब आप ये मत सोचना कि भाई इस कार्बन ने दिया है या इसने, इसने तो देखो इसके तो चारों बॉन्ड हैं, एक दो तीन चार यहाँ वाले कार्बन के, लेकिन इसके पास कितने बॉन्ड हैं, इसके पास कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, तो इस पे कैसे चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो अब आप देखिएगा थर्ड स्टेप में क्या होता है। थर्ड स्टेप में ये बेंजीन कहेगा कि भाई मेरे भी अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए क्योंकि मेरे इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, क्लोरीन ने, तो ये बेचारा क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्या होगा आप देखिएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे सीएल है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है। ये क्या करेगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ले लेगा क्योंकि ये अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिए तो क्योंकि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दी, इसमें कैसे चार्ज आ गया पॉजिटिव। ठीक है, प्लस जो हमारे पास था ना एएल सीएल थ्री एंड सीएल नेगेटिव, इसको मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है, तोड़ के लिखा है इसको। अब आप देखिएगा क्या होगा, यहां पर तो इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया तो ये बॉन्ड टूट जाएगा एच पॉजिटिव और यहां से ये सीएल नेगेटिव, ये दोनों गठबंधन कर लेंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, बेंजीन है हमारे पास, ठीक है, यहां भी डबल बॉन्ड आ गया, यहां भी, यहां भी, और इसके साथ क्या जुड़ गया, सीएल जुड़ गया है, प्लस एच सीएल जुड़ गया है, प्लस ए एल सी एल थ्री, ये एल सी एल थ्री है हमारे पास। अब आपसे पूछेगा कि कौन से टाइप की रिएक्शन है, तो आप हमेशा इसको क्या कहोगे, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो सीएल पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स। इसको यहां से इलेक्ट्रॉन मिला है तो इसने यहाँ अटैक किया और यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होती है जिसमें एक जो स्पीशीज है वो दूसरे को क्या करे, सब्स्टिट्यूट कर दे, हटा दे। यहाँ से सीएल ने, सीएल पॉजिटिव ने एच को रिलीज करा दिया, हटा दिया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद रखना है इसको, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, इस तरीके से हमने हेलो अरेंज प्रिपेयर किया है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरे उस पे कि हमने क्या किया, हमने Br2 के साथ की ये रिएक्शन, क्या लग जाएगा यहाँ पे Br लग जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि हमारे पास बेंजीन है और इसके साथ हमने Br2 की रिएक्शन की है तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा और एक H के साथ क्या लग जाए, निकल जाएगा HBr। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हम I2 करेंगे तो I लग जाएगा यहाँ पर HI। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज खुद बताओगे कि क्या होगा, बेंजीन रिंग है, मैं यहाँ पर I2 ले रहा हूं और मैं यहाँ पर बना रहा हूं I, लग गया यहाँ पर और यहां मैं HI लिख रहा हूं, ये रिएक्शन क्या हो गई, रिवर्सिबल रिएक्शन बताई थी मैंने। अब आप इसमें ये बताइएगा कि इसको रिवर्सिबल ना होने के लिए हमें फाइनल प्रोडक्ट यही चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाँ हम यहाँ पर HNO3 या HIO3 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो डाल देंगे ताकि वो क्या करेंगे, HI को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, I2 में कन्वर्ट कर देंगे और ये रिवर्सिबल रिएक्शन फिर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो हमें इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना जरूरी होता है। F2 से हम रिएक्शन डायरेक्ट फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर नहीं कर सकते, वोलेंट होती है। ठीक है, हाँ तो हम उसको नहीं प्रिपेयर कर सकते। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मान लो हमारे पास है यहां पर क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, और मैं इसकी फिर से Cl2 के साथ करा देता हूं, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में। अब मैं इस रिएक्शन को कराता हूं तो इस रिएक्शन में क्या होगा, जो Cl है वो यहां पर Cl है, एक बार तो ऑर्थो पे लग जाएगा और एक बार कहां लग जाएगा, पैरा पे लग जाएगा।
प्लस क्या होगा HCl रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस चीज को कह सकते हैं कि जो ये Cl2 है यहां पर ये कैसा है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव है। ठीक है, ये ऑर्थो वाला है और ये कैसा है पैरा वाला। अब ये एक्चुअल में ये नहीं कि अलग अलग बनेगी, ये एक्चुअल में इसका मिक्सचर मिलेगा हमें, ये माइनर प्रोडक्ट होगा, इट इज माइनर प्रोडक्ट एंड इट इज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये माइनर है, ये मेजर है। अब ये मेजर क्यों है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, देखो ये ज्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में, तो ये ज्यादा अमाउंट में बनेगा, ये कम अमाउंट में बनेगा। अब आपको मैं ये बता रहा हूँ, ये Cl2 जब हमने किया तो ये मेटा पे क्यों नहीं लगा, ये ऑर्थो और पैरा का ही क्यों मिला। एक्चुअल में हमने आपको रेजोनेंस बताई थी OH वाली, उसी तरह से रेजोनेंस किसकी बनेगी, क्लोरोबेंजीन की बनेगी। जब आप देखना ये रेजोनेंस होगी तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आए थे, फिर ये अंदर आए थे तो ये बाहर की तरफ आए थे, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर आता है वो कहाँ आ रहा है, ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है, और ये क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, और जो इलेक्ट्रॉन लविंग है वो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और उसको इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहे हैं, एक बार ऑर्थो पे मिल रहे हैं और कहाँ मिल रहे हैं पैरा पे, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैच होता है, ऑर्थो पे और पैरा पे। आपने 11th में पढ़ा था कि अगर बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ रहा है, तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव होता है, तो ये ऑर्थो और पैरा पे क्लोरीन इसलिए लगा है क्योंकि ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है और इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहे हैं, ऑर्थो पे मिल रहे हैं और पैरा पे मिल रहे हैं, इसलिए अटैक कहाँ करेगा, ऑर्थो और पैरा पे करेगा, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव मिलेगा। ठीक है, अब अगर मैं यहीं पर चलो नेक्स्ट उसमें लिखता हूं, ये तो कर लिया हमने। अगर मैं कहूं कि टोल्यूइन है हमारे पास, ये हमारे पास बेंजीन है और उस पे अगर मैं CH3 ग्रुप अटैच करता हूं, यहां पर CH3 अटैच करता हूं और Cl2, और ये मैंने लिख दिया AlCl3 की प्रेजेंस में या अनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन मैंने कराया, ये हैलोजन कैरियर्स बोले जाते हैं, मैकेनिज्म मैंने समझाया था हैलोजन को ले जाने वाले, तो उस वजह से क्योंकि CH3 भी आपने पढ़ा था इट इज आल्सो एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसे होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो क्या होगा CH3 यहां पर है, Cl एक बार ऑर्थो पे लग जाएगा और एक बार कहां लगेगा पैरा पे लग जाएगा। ठीक है, और CH3 यहां पर क्या हो गया Cl प्लस में HCl। अब आप देखना ये इनमें से ये जो होगा ये माइनर प्रोडक्ट होगा और ये कैसा होगा मेजर, रीजन आपको पता होना चाहिए, रीजन मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, बढ़िया तरीके से हंसते हुए मन को खुश करके और इस यूनिट को पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है, तब समझ आएगी, वरना सब कुछ हवा हवाई हो जाएगा। अब देखना यहां पर क्या अंतर है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि अगर मैं कहूं यहां पर मैंने CH3 लिखा, यहां पर मैंने Cl2 लिखा, सेम चीजें हैं, बस मैंने यहां पर कुछ फर्क कर दिया, यहां पर मैंने सनलाइट की प्रेजेंस दिखा दी, मींस हैलोजन कैरियर इज अब्सेंट, तो उस केस में आप देखना साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, ये ऑर्थो पैरा की बजाय जो लगेगा वो कहां पे, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होगा और क्या हो जाएगा, यहां पर CH2Cl मींस एक H के साथ एक Cl चला जाएगा, ये Cl यहां जुड़ गया है HCl। अब इस चीज को ध्यान रखना कि अगर बेंजीन पे यहां पे है Cl लग रहा है तो इसको तो क्लोरोबेंजीन बोलते हैं, लेकिन ये चीज बहुत जरूरी है कि यहां पर जब CH2 होगा और यहां पर Cl, इसको पूरे पे ये जो ग्रुप है इसको बेंजाइल बोला जाता है, इसको बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड, इट इज बेंजाइल। अगर बेंजीन पे CH2 ग्रुप जुड़ रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल बोलते हैं। अगर मैं इस पे देखना एक बार CH2 और OH लगा दूं, ये बेंजाइल ग्रुप हो गया, अगर OH लग गया तो इसको क्या कह देंगे, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, कन्वर्जेंस करेंगे, कन्वर्ट दिस इनटू दिस, उस टाइम पे ये यूज होते हैं बेंजाइल अल्कोहल में, तो बेंजाइल अल्कोहल को ज्यादातर बच्चे क्या फिनोल लिख देते हैं, जो कि गलत है।
ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड को क्लोरोबेंजीन लिख देते हैं जो कि रॉन्ग है, तो आपको इस चीज पे स्पेशल ध्यान देना है। उसके बाद अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास है CH2CH प्लस Cl2 और यहां पर क्या है सेम सनलाइट, तो क्या होगा, वही साइड चेंज सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन Cl यहां नहीं लगेगा बेटा, यहां लगेगा, ये तो प्राइमरी हो गया, ये कौन सा है सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी पे अटैच होगा, ठीक है, ज्यादा स्टेबिलिटी की वजह से। तो क्या हो जाएगा, अब आप इस चीज को समझो, यहां पर CH एक H हट जाएगा, यहां पर CH3 और यहां पर क्या लगेगा Cl प्लस HCl, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक और जुड़ा हो तो भी याद लगेगा, टर्शियरी वाला क्योंकि ज्यादा स्टेबल है। इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। तो हम प्रिपरेशन ऑफ हेलोरेंस पढ़ रहे हैं, अब कुछ नेम रिएक्शंस हैं, दो तीन नेम रिएक्शंस हैं जिनकी वजह से क्या होता है प्रिपेयर होता है हेलोरेन। तो पहला है, इसमें भी जैसे नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं बाइसैंडमेयर रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, अक्सर पूछ ली जाती है, याद रखना है आपको बाइसैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर के केस में क्या होता है कि ये किससे प्रिपेयर करता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2Cl, अगर बेंजीन पे N2Cl लिखा होता है तो इसको बोलते हैं हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अगर हम इसकी CuCl HCl की प्रेजेंस में करेंगे तो ये वाला जो Cl है ये यहां इस बेंजीन के साथ चला जाता है और ये हट जाएंगे, तो देखो क्या बना हमारे पास। सैंडमेयर साइंटिस्ट था, उन्होंने ये खोज की थी, यहां पर Cl प्लस N2 रिलीज हो गया, Cl ये वाला वहां अटैच हो गया। ये पॉइंट आपको खास कर याद रखना है कि यहां जो Cl अटैच हुआ है वो कहां से निकला है, CuCl से। अगर मैं इसको यहां पर Br अटैच करना होगा तो यहां CuBr ले लेंगे, ठीक है। तो ये सैंडमेयर रिएक्शन है। इसी तरह की एक रिएक्शन है गैटरमैन्स रिएक्शन, लगभग सेम है गैटरमैन्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है आप लोग देखोगे कि सेम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हमने लिया है N2Cl, ठीक है, और इसमें हमारे पास होगा CuHCl, CuCl की बजाय हम क्या लेंगे HCl लेंगे, और अबकी बार जो Cl जाएगा वो ये वाला यहां जाके अटैच होगा, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट सेम रहेगा, बस थोड़ा सा रिएजेंट चेंज हुआ है, यहां पर Cl और यहां पर N2, ठीक है। अगर यहां Br अटैच करना है तो HBr हम यहां पर ले लेंगे, तो क्लोरो भी कर सकते हैं हम, ब्रोमो भी कर सकते हैं हम, हाइड्रो भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास फ्लोरो है वो थोड़ा सा क्या है मुश्किल है, तो फ्लोरो के लिए हम एक स्पेशल रिएक्शन बताते हैं बाल्स सीमैन रिएक्शन। बाल सीमैन रिएक्शन क्या होती है, ये रिएक्शन आप देखिएगा कि हमारे पास N2Cl है, हम इसमें HBF4 लेंगे, ठीक है, H पॉजिटिव है BF4 नेगेटिव है, देखना HCl तो यहां से रिलीज हो जाएगा, तो यहां पर क्या बनेगा बेंजीन के ऊपर N2 BF4, ठीक है, BF4 पे नेगेटिव, एक N है इसमें, N डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड N होता तो N पे कैसे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो अब हम इसको क्या कर देंगे हीट कर देंगे, ठीक है, इसको हीट करेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा बेंजीन के ऊपर फ्लोरो रह जाएगा, यही हमें मेन प्रिपेयर करना था, ये यहां से डिसोसिएट हो गया, प्लस क्या निकल जाएगा N2 और प्लस BF3, ये रिएक्शन होगी, इसको बाल सीमैन रिएक्शन कहते हैं। ये तीन रिएक्शन हैं नेम रिएक्शन लगातार, और जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं हेलो अरेंज प्रिपेयर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, सैंडमेयर अक्सर पूछ ली जाती है।
तो दीज आर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज, हेलो अरेंज की ये प्रिपरेशन थी और ये प्रिपरेशन आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखेंगे, जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, फिजिकल स्टेट। पहला हम पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जनरली आप क्या पढ़ोगे, फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, सॉल्युबिलिटी, हर एक किसी जो कंपाउंड्स होंगे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे आगे अल्कोहल, फिनोल, ईथर आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम फिजिकल स्टेट पढ़ेंगे, फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होगा कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट में जो लोअर हेलो एल्केन्स हैं, लोअर हेलो एल्केन्स, लोअर हेलो एल्केन्स का मतलब है जिनके पास कम कार्बन है, जैसे कि मैं बात करूं मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, जैसे मैं बात करूं CH3Br, ठीक है। तो ये क्या है, गैसेस है। अब आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा होती बहुत ज्यादा वो सॉलिड होते हैं, जिनमें थोड़ी सी कम होती है वो लिक्विड होते हैं, और जिनमें बहुत कम होती है वो गैस होते हैं। तो इनके अंदर अट्रैक्शन बहुत कम होती है और कम अट्रैक्शन की वजह से ये क्या है, गैसेस है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट है, और मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं, इसलिए नहीं कि ये एग्जाम में पूछा जाता है, बल्कि इसलिए और कि ये कई जगह यूज होता है, इस केस में नहीं बहुत से केसेस में। तो यहां मैं इसका एक बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा और वो आपको याद रखना है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो डिपेंड करेगा, किसी भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट जब डिपेंड करता है तो वो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है कि उनमें अट्रैक्शन कैसा है। जैसे कि मैं कहूं A2 और कहूं B2, ठीक है। A2 का मतलब है A और B, तो हम A और M में अट्रैक्शन नहीं देखेंगे अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान रखना हम, क्योंकि जो वेसल होगा उसमें A2 बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, तो हम जो अट्रैक्शन देखेंगे वो A2 में देखेंगे, और हम जो अट्रैक्शन देखेंगे वो B2 के बीच में अट्रैक्शन देखेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हम हीट करें, ये टूटे और ये इवेपोरेट हो, उसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेंपरेचर एट व्हिच ए लिक्विड बॉयल्स, ठीक है। तो अब आप देखो कि अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन्स, कंपेयर कर रहा हूं मैं हाइड्रोकार्बन्स और हेलो एल्केन्स को, हेलो एल्केन्स, तो आप लोग देखेंगे कि जैसे हाइड्रोकार्बन ले लिया मैंने CH4 और हेलो एल्केन मैंने ले लिया CH3Cl। अब आप इस चीज को देखिएगा, तो हम जो कंपेयर करेंगे वो ये नहीं करेंगे कि सी और एच में बॉन्ड है या क्या है, इनको नहीं देखेंगे हम देखेंगे जो CH4 मॉलिक्यूल है वो दूसरे CH4 मॉलिक्यूल के साथ कैसे जुड़ा है, व्हाट इज द इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स। हम देखेंगे कि CH3Cl दूसरे CH3Cl के साथ कैसे जुड़ा है, ये चीजें हम देखेंगे। तो ये देखने के लिए हम देखते हैं कि Cl थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो इस पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है, CH3 कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। इसी तरीके से इस पे भी नेगेटिव चार्ज है और इस पे भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव में थोड़ा सा क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया, पोलैरिटी हो गई। तो हेलो एल्केन्स में पोलैरिटी की वजह से अट्रैक्शन ज्यादा होती है जबकि एल्केन्स में अट्रैक्शन बहुत कम होती है। तो अगर हम कंपेयर करें तो हेलो एल्केन्स पोलर होने की वजह से अट्रैक्शन ज्यादा हो गई, अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो आप नोट कैसे करोगे कि हेलो एल्केन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन्स बिकॉज ऑफ पोलैरिटी, क्योंकि हेलो एल्केन्स में थोड़ी सी क्या है, पोलैरिटी है, थोड़े से ये पोलर होते हैं, ठीक है। अब मैं अगर एक हेलो एल्केन को दूसरे हेलो एल्केन से कंपेयर करूं तो क्या होगा,
तो उस केस में भी आप देखिएगा कि जैसे पॉइंट करके देख लेना कि जैसे फर्स्ट पॉइंट में मैं बता दूं आपको कि CH4 से ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका होता है, CH3Cl का होता है, इस पॉइंट को आप देख लेना, ठीक है। और दूसरा जो है वो देखेंगे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं कहूं CH3Cl, CH3CH2Cl एंड CH3CH2CH2Cl, अगर मैं इनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करूं तो आप देखेंगे चेन, जो लंबी चेन है जिसमें ज्यादा कार्बन है, स्ट्रेट चेन जो होगी उसमें अट्रैक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है, उनमें वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। इस मॉलिक्यूल का देखो एरिया ज्यादा है तो दूसरे के साथ इंटरेक्ट ज्यादा कर पाएगा, जिसमें इंटरेक्शन ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। आप ये कहोगे लार्जर द कार्बन चेन greater will be the van der Waals forces of attraction and higher will be the boiling point। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी बड़ी चेन, जितना बड़ा साइज, उतनी ज्यादा क्या होगी, van der Waals attraction होगी। तीसरा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे पास CH3Cl है, CH3Br है और CH3I है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा फोकस करेंगे समझ आ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट अगर आप कहो, बॉन्ड तो ये मजबूत है, ये देर में टूटेगा, ये जल्दी टूटेगा, लेकिन हमें इनके बीच में बॉन्ड नहीं देखना है, हमें बॉन्ड देखना है इस पूरे मॉलिक्यूल और इसका जो दूसरा पूरा मॉलिक्यूल है उसके अंदर, और वो किस पे डिपेंड करता है, साइज पे। ग्रेटर द साइज, ग्रेटर विल बी वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जिसका साइज बड़ा है अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कॉम्पिटिशन में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सीबीएसई बोर्ड में भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ही नेक्स्ट केस एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लो हमारे पास है CH3CH2CH2CH2Cl, ठीक है, हमारे पास है CH3CH CH3CH2Cl और एक हमारे पास आ गया CH3CH3CH3Cl, ठीक। ये तीन है हेलो एल्केन्स, तीनों में क्लोरीन जुड़ रहा है, तीनों में ही क्या है, चार चार कार्बन है। लेकिन बेटा इस केस में आप लोग देखोगे कि इसका जो सरफेस एरिया है वो कम है, क्यों, ब्रांच की वजह से स्फेरिकल शेप हो गई, स्फीयर का सरफेस एरिया बहुत कम होता है, जबकि ये स्ट्रेट चेन है, इनमें से सबसे ज्यादा सरफेस एरिया इसका है। वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा किसमें होगी, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, मींस अगर सीधी चेन है सरफेस एरिया ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा रहेगी, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन इसमें है, तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इसका होगा। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। और लास्ट जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो ये है, ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्केन्स, सॉरी ग्रेटर द नंबर ऑफ हैलोजन्स, ग्रेटर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं कहूं मेरे पास CH3Cl है, मेरे पास CH2Cl2 है, मेरे पास CHCl3 है और मेरे पास CCl4 है, नाउ आई एम गोइंग टू कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज फोर मॉलिक्यूल्स, तो जिसमें ज्यादा हैलोजन होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप इसको ऐसे बताओगे कि इनका बॉइलिंग पॉइंट इस तरीके से, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विल बी दिस, ठीक है। बाकी चीजें हम कल पढ़ेंगे, लेकिन जो आज मैंने पढ़ाया काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है और नोट्स बनाना है। थैंक यू।